दो कैमरामैन, ये बहुत बड़ी रकम आपकी खोज है जो आपकी अगुवाई में टीम अच्छा कर रही है। मैं देख रहा हूँ कि कस्बा माहौल जो मेरे साथ कमर आसिफ भाई जुड़े हुए हैं वो भी लाइव मुकाबला आपको दिखा रहे हैं, उसके साथ मैं देख रहा हूँ कि आफ्ताब माहौली आजमगढ़ चैनल पर लाइव दिखा रहे हैं। तो अब मैं देख रहा हूँ कि दो सलामी बल्लेबाज इस वक्त मैदान में जाते हुए, एक जबरदस्त मुकाबला नेवादा के पैंथर्स का मुकाबला कोहिंडा के टीम से बेहतरीन बल्लेबाज और दो सलामी बल्लेबाज जाकिर और असहद। तो सुजीत असहद जो है ये अंडराम का जबरदस्त बल्लेबाजी करते थे, अब फुल बाउंड्री में लंबे लंबे छक्के लगाते हैं और जाकिर भी हमेशा एक कमाल की बल्लेबाजी करता है। तो नेवादा में भी मैं आपको बता दूं कि इस टीम में मोहम्मद साली जो विकेट के पीछे इसमें क्रीज सेट कर रहे हैं, इन्होंने बहुत ही बेहतरीन पारी 86 रन 27 गेंद 86 रन 9 छक्के 7 चौके। उसके अलावा इसी टीम का हिस्सा है हमजा, जिन्होंने अपनी टीम के लिए दूसरे मैच में हाफ सेंचुरी पूरी की थी, 64 रन का संदान दिया था। तो एक बेहतरीन मुकाबला, फील्ड देख लेते हैं, बॉलिंग मार्क्स इसके साथ मैं देख रहा हूं, उबैदुल्ला प्रधान भी मैं देख रहा हूं कि मिटौन पर खड़े हैं, साली में एक मैं देख रहा हूं कि ताबिस है लगभग शॉर्ट लॉन्ग लेग पर। उसके अलावा मैं देख रहा हूं एक गली एक पॉइंट एक कवर, ये फील्ड की पोजीशन यानी लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन। और मैं देख रहा हूं कि हफीज अब्दुल्ला खान साहब जो मैं देख रहा हूं कि लगभग 20 फीट विकेट के दायरे में, ये फील्ड की पोजीशन पहली गेंद ओवर की फुजैल की, यहां पर अच्छी गेंद मैं कहूंगा, पैरों की तरफ आती हुई गेंद को स्टेयर करना चाहते थे, गेंद और बल्ले का कोई कॉन्टेक्ट नहीं हुआ, बाकी काम वहां पर विकेटकीपर मोहम्मद सालिक ने पूरा किया। और खाली जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा। तो कोहिंडा का अगर कोई भी बल्लेबाज अगर यहाँ पर 50 पूरा करेगा तो जनाब मोहम्मद अयाज भाई मिट्टू भाई की तरफ से यहाँ पर उन्हें 100 रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक बेहतरीन क्रिकेट चल रही है, दो अच्छी टीमें, ये मरहूम फरहान स्टेडियम त्योंका का मैदान है दोस्तों, ये फरहान स्टेडियम दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक 19 वर्ष का महेश उम्र में इस दुनिया से चला गया, उनकी नाम पर इस मैदान का नाम फरहान स्टेडियम, मरहूम फरहान स्टेडियम टोका के नाम से स्थापित किया गया। अगली गेंद फुजैल की या फिर टॉस के लॉफ्ट एक शॉट गेंद सीमा लगा के बाहर जा रही है 6 रन के लिए, एक बेहतरीन सिक्स। असहज बल्लेबाजी कर रहे हैं, एक बेहतरीन बल्लेबाजी, इस तरीके से साहबगंज सर ने बताया ये एक बेहतरीन प्लेयर है, अच्छी क्रिकेट की सारी स्किल्स इस बल्लेबाज के अंदर है। फुजैल गेंदबाजी कर रहे हैं, छोटे कद के लेफ्ट हैंडर, अगली गेंद लॉफ्ट एक शॉट और फिर से 6 रन। सुजी आप देख रहे हैं कि जबरदस्त टाइमिंग की थी, यहाँ पे जबरदस्त टाइमिंग हुई थी, एक साहब को बड़ा परेशान कि ससुराल को देखो कि गांव को, लेकिन सब परेशान क्यों है, गांव देखा ससुराल बाद में देखें, गांव के साथ नहीं रहेंगे तो लोग रहेंगे जोरू का गुलाम है आप अगर ससुराल के साथ जाएंगे। ये मोहम्मद अयाज भाई है, मिट्टू भाई जो प्रधान पद के प्रत्याशी ग्राम द्वारा, उन्होंने बताया मैं भी सोच में पड़ गया कि नेवादा की टीम फील्डिंग कर रही है, इनाम कोहिंडा की तरफ से लग रहा है, क्या बात है, अब समझ में आया मैच वही हो रहा है, बस उसके बाद सेमीफाइनल ही है। फिर भी ये सुजीत जिसकी बहन अंदर उसका भाई सिकंदर इस बार मैं देख रहा हूं कि दोनों सलामी बल्लेबाज इस वक्त बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए स्कोर जा पहुंचा इस वक्त 18 की योग पर, पहले ओवर की समाप्ति पर असहद और जाकिर बल्लेबाजी कर रहे हैं की तरफ से, एक बेहतरीन खेल यहां पर मैं देख रहा हूं कि क्या नेवादा ये अपने तीसरे राउंड का मुकाबला इस वक्त खेल रही है।
तो नए गेंदबाज किस गेंदबाज को लाया जाएगा गेंदबाजी मार्क्स पर। मैं देख रहा हूं कि फील्ड के पीछे कप्तान मोहम्मद सालिम, फील्ड में मैं देख रहा हूं कि यहां पर तरतीब देते हुए फील्ड को सेट करते हुए तो नए बल्लेबाज है क्रीज पर। और मैं देख रहा हूं कि गेंदबाजी के लिए गेंदबाजी मार्क्स पर इस वक्त तैयार हो रहे गेंदबाजी करने के लिए आजाद। तो एक और बढ़िया गेंदबाज को मैं देख रहा हूं कि आक्रमण पर लगाया है, बड़ी जिम्मेदारी है। सुजीत आजाद क्या जींस पहन के खेल रहे हैं? ये निवादा खेल रहा है, खुद जींस पहन के खेलेगा कैसे, किसी को मना करेगा? सच कहना कमेंटेटरों का ये फर्ज है, सच्चाई को बयान करना। वाइट का इशारा यहां पे आया, जींस वाला लोअर है, चलिए बात बना लीजिए। गौतम भाई चंद्रपुर का भी मैच है आज, अभी अलाउंस नहीं हुआ है, अलाउंस होता है तो मैं आप लोगों को खबर यहां पर आ रही है कि गेंदबाज जो है वो भांजा है, बल्लेबाज है मामा, मामा और भांजे की लड़ाई। घोड़ा इस बार अच्छी शॉट यहां पर, इस रेस को कौन जीतता है कि मामा और भांजा? निवादा यानी कोहड़ा का एक मैं देख रहा हूं कि बेहतरीन यहां पर मेल है और रनों की संख्या जा पहुंची 19 की योग पर। हाँ भाई कैमरा घुमा, बेहतरीन क्रिकेट इस वक्त चल रहा है, मजा आ रहा है दर्शकों को इस मुकाबले को देखने के लिए। स्कोर जा पहुंचा 20 की ओर पर, एक एक रन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं भाई साहब। रात आठ सलमान भाई अच्छे से अपने काम को अंजाम दे रहे हैं और अच्छा करने की जरूरत, तो ये हवाओं का ये रुख बता रहा है, तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है मैदान पर। मैं अपने दर्शकों को मैं बताऊंगा कि आप उस तरफ उस छोर पर बैठ जाइए जहाँ पर ये धूल नहीं उड़ के आ रही, उस इंड पर बैठिए जहाँ से ये हवाएं चल रही है। तो मैं अपने दर्शकों का बहुत ख्याल रखता हूं क्योंकि वो उनसे अच्छा मुझे कोई नहीं लगता। आजाद इस बार और के बाहर है भाई नुमान भाई का भी है। असहद और जाकिर चपले बाड़न, जबरदस्त मुकाबला चल रहा है, डंडा से गिना ना लगल सीधा विकेट कीपर पकड़ लगे गिना, जिंदगी तो एकदम जेठालाल जैसन हो गई। हवा अपना रुख बदल रही है, मैं देख रहा हूं इस वक्त कि जिंदगी जेठालाल जैसी हो गई है, मुसीबत आती नहीं कि बबीता जाती नहीं। बेहतरीन मुकाबला इस वक्त चल रहा है निवादा वर्सेस सामने। एक और हेलीकॉप्टर लाया है और यहां पर देख रहा हूं कि लैंड करते हुए बहुत ही खूबसूरत सा तो शेयर करते रहिए, शेयर करते रहिए, आप शेयर करने में कंफ्यूजन आ गया करें। असद बल्लेबाजी कर रहे हैं, असद भाई तू तो जियारा गाजर कह डाला, चाप के एकदम मारा थवा, ना वफा का जिक्र होगा ना वफा की बात होगी, अब मोहब्बत जिससे भी होगी गेहूं काटने के बाद होगी। बढ़िया मुकाबला चल रहा है, स्कोर जा पहुंचा, स्कोर 32 रन। अचानक की गेंदबाजी, अगली गेंद एक और लॉफ्ट और ये सीमा रेखा के बाहर 6 रन। अपनी लाइन लेंथ में परिवर्तन लाना होगा, एक और वही केस की थी इस बार भी मैं देख रहा हूँ, उसको पीछे फील्डर नहीं है, सीमा रेखा के पार चली जाएगी 4 रनों के लिए। बयालीस की योग पर तो एक बड़ा ओवर यहां मैं देख रहा हूं कि साबित होता हुआ और
निवादा प्रीमियर लीग का ये पहला सीजन जो इस वक्त चल रहा है दोस्तों, बड़ी बड़ी ट्रॉफियां ये चमकती हुई ब्लैक डायमंड की ये ट्रॉफियां बता रही है, इनकी ऊंचाइयों को बता रही, इनकी कामयाबियों को बता रही है। एचएफ डिलक्स दो बाइकें इस टूर्नामेंट में दोनों कप्तानों को दी जाएंगी और ये चमचमाती भी है। मैं देख रहा हूँ कि सभी प्लेयरों के लिए यहाँ पर एक एक मैं देख रहा हूँ कि बड़ी साइज का स्कोर जा पहुंचा इस वक्त 42 के ऊपर। दो ओवर यहां पर समाप्त हो चुके हैं। अब मैं देख रहा हूं कि गेंदबाजी करने के लिए क्या फुजैल को लाया जा रहा है? जी नहीं, पिछले मैच में जिन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन किया था जनाब हाजिद अब्दुल्ला खान साहब को लाया जा रहा है। 11 गेंदों पर 40 रन की पारी खेली है अयाज भाई। मैं देख रहा हूं यहां आधे मुंह मुस्कुरा रहे हैं और आधे मुंह शांत है, यानी नेवादा और कोंडा के बीच मुकाबला चल रहा है। एक बेहतरीन मुकाबला दर्शकों को देखने को मिल रहा है। अशोक की एक बेहतरीन शानदार बल्लेबाजी देखने को मिल रही है नेवादा, जिसने अपने दोनों मुकाबले बड़े जबरदस्त तरीके से जीते हैं। ये तीसरा मुकाबला इनका चल रहा है। तो अब्दुल्ला के हाथों में गेंद है, ये अपस्टम के बाहर गए बढ़िया। तो ये कहा जाता है कि अब तक 3 सिक्स लग चुका है, एक रन यहाँ पर आने का मिल गया। तो ये 5 ओवर का मुकाबला जो चल रहा है दोस्तों, 5 ओवरों में मैं देख रहा हूँ कि 66 रन 70 रन बड़ी आसानी से चेस हो रहे हैं इस मैदान पर। तो इस बात को कोंडा जानती है और वो उतनी जबरदस्त बल्लेबाजी का प्रदर्शन करेगी। लेकिन नेवादा के पास हमजा और उससे बेहतरीन बल्लेबाज मोहम्मद साली जैसे बल्लेबाज, फुजैल जो 5 छक्का लगातार लगा चुके हैं जैसे बल्लेबाज है उस टीम में। इस बार एक और हेलीकॉप्टर लगाने का प्रयास, उसके पीछे तानिश भाग रहे हैं, गेंद को रोक लिया, एक रन बना लिया, ये दूसरा रन लेना चाहते थे और ये दूसरा रन भी मैं देख रहा हूँ यहाँ पर पूरा कर लिया गया। ये तीसरा ओवर चल रहा है। तो मैं देख रहा हूँ कि बेहतरीन क्रिकेट दोनों तरफ से हो रहा है, कोंडा और नेवादा की तरफ से। दोनों टीमें अच्छी टीमें हैं, एक अच्छा मुकाबला इस ग्राम सभा के टूर्नामेंट में। 41 की ऊपर बल्लेबाजी करें और लॉन्ग ब्रेक शॉट और ये सीमा रेखा के बाहर खेल रहे हैं। अच्छा पहुंचे 48 पर, टीम का स्कोर हुआ 51 में 48 रन अकेले अशद के, नेवादा के ये गेंद लेग स्टंप्स के बाहर, अंपायर का फैसला यहां पर आता हुआ वाइट गेंद, इस वाइट की मदद से रनों की संख्या में यहां इजाफा होता हुआ जा पहुंचा अब 52 की ऊपर। तो नेवादा को वापसी की उम्मीदें नजर आ रही हैं। इस बार स्टंप्स की तरफ गेंद की थी और अब तक सबसे सफल मैं देख रहा हूं कि गेंदबाज यहां साबित हो रहे जनाब हाफिज अब्दुल्ला खान साहब, क्योंकि एक बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन इससे पिछले वाले मुकाबले में। हालांकि एक फील्ड टॉस गेंद पर एक छक्का पड़ा है, इस बार एक और लॉन्ग ब्रेक शॉट, उसका हवाओं का रुख है, रुख है खेल रहा है खेल दो ऊपर से 6 रन के लिए जी के साथ दोस्तों। 50 पूरी दोस्तों 54 में मैं देख रहा हूँ कि 50 पूरी होती हुई, गुड लक, बेहतरीन इनिंग, बेहतरीन परफॉर्म, 8 छक्का 1 चौके की बदौलत और इस वक्त स्कोर है 58 रन। अशाद को बल्ला उठाना चाहिए, 50 पूरे किया था। अब्दुल्ला अगली गेंद एक और लॉन्ग शॉट के सीमा रेखा के बाहर एक और बेहतरीन छक्का, 6 रन। कड़वा का ग्राउंड ऐसे ही बड़ा है, उसके बाद भी बाउंड्री उस पार गया। स्कोर दोस्त 3 ओवर में 64 बना है। मेरे ख्याल से प्रीमियर लीग कोहडा और नेवादा के बीच का मुकाबला चल रहा है और नेवादा प्रीमियर लीग का अनाउंसमेंट, जो भी टीम इस पहुंचेगा अंतिम 4 में सीजन 2 में उसके एंट्री फ्री होगी। सीजन 2 जनवरी महीने में खेला जाएगा और 3 मोटरबाइक होंगी, 3 मोटरबाइक दोस्त यहाँ पे होगी। तो आज राघव खान राजापुर सिकरौर भी मुकाबले को देखने के लिए यहाँ पे आए हैं। आज दर्शक बेपना आने वाले, धूप कुछ तेज जरूर है लेकिन इस धूप की परवाह किए बगैर हम इस मुकाबले को देखेंगे। गेंदबाज का नाम बता दें, बहुत ही साले बैटिंग साले है, गेंदबाज किस तरह से गेंदबाजी करेंगे।
एक दिलकश मुकाबला। आज हमारे बीच कुछ मेहमान खास भी आने वाले हैं। इससे पहले भी चिट्ठी पूरी किया था असहद, तो असहद ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहा है, हल्ला बोल बल्लेबाजी कर रहा है। हल्ला बोलते बोलते हल्ला बोलो मामूली नहीं है, और घूमती हुई वाइड का ऐसा जाकिर साथ जरूर दे रहे हैं। और आज इमरान अहमद उर्फ हेटलर बीएसपी लीडर भी आज हमारे सामने में उद्घाटन करने के लिए आने वाले हैं। सालिम तैयार आगे बढ़कर खूब ट्राई कॉर्पेट के सहारे बड़ी आसानी के साथ एक रन मिल रहा है, स्कोर इसी एक के साथ 65 66 रन दोस्त 66 हुआ। और आज साबिर आजमी गुंडी महाराज सपा नेता हंसला सिद्दीकी निवादा ओबैदुल्ला प्रधान प्रत्याशी निवादा हाजी मिनहाज लुनियाडी राजिक आजमी लुनियाडी अशफाक खान निवादा कैश पान मसाला अबू जैद सिद्दीकी निवादा, ऐसे तमाम लोग हम इनके साथ जुड़ने वाले हैं जिनका पुरजोर वेलकम किया जाएगा। तो इसके बाद मुकाबला किसका होगा बता दें तो बेहतर होगा। मुंतजमीन कमेटी रेहान शेख एंड कंपनी रमोपुर और सचनी का मुकाबला इसके बाद होगा। टीम कैप्टन रमोपुर और सचनी दोनों बिल्कुल तैयार रहे, हल्का सा ड्राइव जरूर किया गया, कार्पेट के सहारे के थक चली जा रही है, मिड विकेट की जाने फील किया गया। ये फरहान स्टेडियम फूलपुर कटक पावर हाउस उत्तर प्रदेश के बेहतरीन ग्राउंडों में इसका शुमार, ना कि आजमगढ़ में, पूरे उत्तर प्रदेश में कह रहा हूँ बेहतरीन ग्राउंड में इसका शुमार। जिनको भी अपने घर ऑफिस हॉस्पिटल लाइब्रेरी या स्कूल में वक्त मिले मैच देखना चाह रहे हैं तो आप देख सकते हैं। घूम कर खेला ऊंचा स्टॉप कैच की संभावना बताइए, जी हाँ कैच ड्रॉप कर दिया गया वहां पे। एक और रन इसी एक रन के साथ इसको जब पहुंचा यहाँ पे 68 कस्बा माहौल आपको लाइव मुकाबला मिलेगा। आज आजमगढ़ तक लिख दे आपको एक और जगह लाइव मुकाबला फेसबुक पे मिलेगा। तो दो दो लोग लाइव मुकाबला दिखा रहे हैं, लाइव मुकाबला दिखाने वालों को सलाम। एक और खूबसूरत स्टॉप खूबसूरती के साथ ट्राई किया गया, बेहतरीन चौका 72 भाई आग उगल रहा है। सालिम टू अशद, असद काफी बाहर गेट किया यहाँ पे और अंपायर का सारा वाइट काले टीशर्ट का ही नाम है पॉपुलर मार्ट खरवा और सरामीर भी इसका वेलकम कर रहा है, इस मुकाबले को देख रहा है तैयार होते हुए। और फिर फ्लाइट किया था देखने वाले नहीं है, कुछ हवाओं का बेझक हो रहा है, गेट को लेता भाग का चला जा रहा है। ऐसा जो का जो पकड़ने में बहुत ही परेशानी हो रही है दोस्तों, फील्डिंग करने में यहाँ पे बन चुका है कुछ तेज हवाएं जो गेंदबाज को डिस्टर्ब कर रही है, गेंदबाज को डिस्टर्ब कर, गेंदबाज अगेंस्ट द विंड गेंदबाजी कर रहा है, अगेंस्ट द एयर गेंदबाजी कर रहा है, और गेंदबाज विद द एयर बल्लेबाजी कर रहा है। ये चौका है दोस्त, ये चार रन आया है, चार के साथ स्कोर पहुंचा अब यहाँ पे 77 खूबसूरती के साथ इस मुकाबले में अपने गेम को शो किया असर। सालम काफी बाहर गेट किया फिर वाइड का इशारा इसके 78 रन। तो बहुत सारे लोग इस मुकाबले को देख रहे हैं, पॉपुलर मार्ट खरवा मोड़ अपने शोरूम से बैठा इस मुकाबले को देख रहा है और फोन कर रहा है कि मैं मुकाबला देख रहा हूँ तैयार। एक मरता फिर एक और किया गया बहुत ही जबरदस्त दोस्तों ग्राउंड जबरदस्त जबरदस्त चार ओवर 84 रन 21-83 होता है दोस्त, 21 चौका 84 हो गया। हाँ हर ओवर में 21 रन आ गए, हर ओवर में 21 रन बनाना कुछ मुश्किल जरूर है लेकिन इस विकेट पे नामुमकिन नहीं है, इस विकेट पे रन तो बन रहे हैं। अभी राजापुर सिकंदर को 66 रन का टारगेट चार ओवर में समाप्त कर दिया था, ये चार ओवर में तो बनाए हैं 84, जाकिर साथ दे रहे हैं रन बना रहे हैं दोस्तों। एक बार फिर से देखना है कैच होते हैं या नहीं, कैच की संभावना और इस मौका फिर कैच ड्रॉप
कैच ड्रॉप किया गया, एक मिलेगा आसान ना कर दिया। रुकिए भैया कुछ और बना दीजिए, स्कोर 85। कट एंड बोल्ड का इससे आसान कैच नहीं मिलने वाला है, एक इजी कैच। ऐसे कैच पलकों से पड़ जाते हैं हाथों से नहीं, लेकिन अच्छा हो रहा है, इतना खूबसूरत मैच हो रहा है। तो वक्त बुरा तो गुल से चली जाती है खुशबू, कैमरा घुमाने का दिल। ये मैंने कहा वक्त अच्छा नहीं चल रहा है यहाँ पे निवादा का। असद कुछ मामू खान जी भी अपने गेम को शो कर रहे थे यहाँ पे, तैयार के पास मुताबिक असद के लिए और शायद के लिए कोहटा अपने गेम को शो कर रहा है बड़ी खूबसूरती के साथ। एक और लेकिन पे कैच की संभावना, कैच करने नहीं आए, हम कैच को ड्रॉप करने के लिए आए हैं। निवादा अब तक लगातार यही दिखा रहा है, स्कोर इसी एक के साथ 86, चार कैचेस अब तक मैंने देखा है छोड़ते हुए यहाँ पे टीमों को, टीम निवादा। इसके बाद सजनी का मुकाबला खेला जाएगा दोस्त, वो रमोपुर से बिल्कुल तैयार है, सजनी और रमोपुर तैयार होते तो शुरू किया। फील्डर मौजूद वहाँ पे है, चलिए खैर इस मरतबा फील हुआ, इसको इसी एक के साथ यहाँ पे 87। नजीर मेमोरियल हॉस्पिटल आजमगढ़ के मुकाबले को देखा है, मैं उनका भी वेलकम कर रहा हूँ। श्याम बाबा सुशील पांडे जी आपका भी वेलकम, जो आप बहुत दूर से चल के स्वामी के साथ जुड़े हैं और मैं आपका वेलकम कर रहा हूँ। तैयार थोड़ा शुरू किया आसक के लिए, करेंगे और एक अच्छी गेंद दिलकश डिलीवरी बीट करने में कामयाब हुई। पहली मरतबा देखा गया कि आसाद को कोई गेंदबाज बीट किया है। सुजीत शान सुशील पांडे आप दिख रहे हैं कि इस मुकाबले की शानदार कमेंट्री आपको सुना रहे हैं, टूटी फूटी कमेंट्री में भी आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तैयार होते हैं गेंदबाजी करने के लिए, दिलचस्प अंदाज में ये मुकाबला आपके सामने फरहान स्टेडियम फूलपुर कटक पावर हाउस में चल रहा है। निवादा प्रीमियर लीग निवादा लीग टूर्नामेंट आपके सामने चल रहा है। एक मरतबा वेरी वेरी टाइमिंग, वेरी वेरी टाइमिंग जा रही है अंपायर के सारा शेर कि जहां पे दोनों मिल मिल जाएं उसी का संगम नाम है। अच्छा बैट बॉल का मिलन हुआ छक्के के लिए, इसको पहुंचा यहां पे 93 रन। तो श्याम बाबा जो आप देख रहे हैं कि बहुत दूर से चल के आए हैं दोहरी घाट से इस मुकाबले को देखने के लिए, कमेंट्री करने के लिए, मैं उनका भी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। ये निवादा प्रीमियर लीग कोटा सीधा सट घूम कर एक और जबरदस्त स्ट्रोक खेला है, फाइनल बाउंड्री के बाहर गए जा रही है। दोस्तों बहुत ही जबरदस्त, जबरदस्त बैटिंग करते हैं दोस्तों, जबरदस्त। देखिए दोस्तों ट्रॉफी है, 100 रन चाहिए मैं जीतने के लिए निवादा को, जो उनके बल्लेबाज हैं इस रन को बना सकते हैं। जैसा भी बताया गया कि 50 पूरी कर रहे हैं, कोई 84 बना रहा है, कोई 50 बना रहा है, तो संभावना यह है कि मुकाबला बड़ा कांटे का होगा। लेकिन रन बनाना और चेज करना तो बड़ा फर्क होता है, जब चेज करना होता है तो दबाव अधिक रहता है, एक्स्ट्रा दबाव रहता है, इसका प्रेशर रहता है, उस प्रेशर को जो झेलेगा उसका काम बनेगा। फरहान स्टेडियम फूलपुर कटक पावर हाउस पे आज जो हमारे मेहमान खास आने वाले हैं, इमरान अहमद फेटलर बीएसपी लीडर फरहान कॉन्वेंट स्कूल प्रबंधक, और साबिर आजमी महाराष्ट्र सपा नेता, फहद आजमी महाराष्ट्र सपा नेता, उबैदुल्ला प्रधान पद के प्रत्याशी निवादा, हाजी मिनहाज लुनियाडी, राजिक आजमी लुनियाडी, अशफा खान निवादा कैश पान मसाला के मालिक, अबू जैद सिद्दीकी निवादा, ये तमाम नाम आप देखा जा रहा है यहाँ पे हैं। ये तो राजिक भाई साहब मुंडियार है, हाँ ये तो मैं कंफ्यूज था कि राजिक आजमी मुंडियार। राजी खान साहब मुंडियार भी आज इस मोमेंट के साथ जुड़ने वाले हैं। तो 100 रन चाहिए मैं जीतने के लिए,
इसके बाद सजनी का मुकाबला ब्रह्मपुर से खेला जाएगा। ग्राउंड भाई अब्दुल भाई निवादा प्रीमियर लीग सीजन वन बहुत ही जबरदस्त रिहान सिंह की अगुवाई में चल रहा है। अशरफ और अयूब का सहयोग, आप देख सकते हैं कि दो ऐसे प्लस दोनों कप्तानों को दी जाएगी फाइनल टीम जीतने वाली टीम को। उसके अलावा ये चमचमाती चाशियां, उसके बाद मैन ऑफ द सीरीज डबल डेकर फ्रीज, और उसके बाद मैन ऑफ द मैच कूलर, और भी बड़े इनाम यहाँ पर दिए जा रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि 2021 सीजन का ये जो ये सीजन गुजरा है अब तक का सबसे इनामी जो सबसे बड़ा टूर्नामेंट हो सकता है इनामी रूप से कि नहीं? जी वाकई में ये ग्राम सभा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे अच्छा इनाम के तौर पे मुकाबला है। 70,000 इनाम और था गुलवा गौरी में, एक फर्स्ट प्राइज थी और सेकंड प्राइज से मुताबिक 40,000 या 50,000 थी। लेकिन यहाँ पे दो मोटर बाइक और फ्रीज कूलर और ये जो चमचमाती हुई ट्रॉफियां हैं जो हमारे भूतपूर्व नौजवान है इसको देख कर कह रहे होंगे ये तो करिश्मा कपूर खड़ी है और पहने हुए ये काला कपड़ा जबरदस्त लग रहा है, जबरदस्त ये ट्रॉफी लग रही है दोस्तों। ये दो मोटर बाइक आ चुकी है, किसके हाथ लगेगी मोटर बाइक? ये तो कैमरामैन जरा सा दिखा रहे दोस्त, कैमरामैन इस मोटर बाइक को दिखाएं कि हाँ ये मोटर बाइक आ चुकी है, दोनों मोटर बाइक आई है। तो ये निवादा में बता दूं कि जो ये हमारे रेहान भाई हैं ये कुछ बीमार थे, अपनी दोनों किडनी को चेंज करवाया है, लेकिन बहुत बड़े दिल वाले हैं कि ये इस सब के बावजूद इस टूर्नामेंट के साथ लगे हैं। तो ये दोनों मोटर बाइक आज किसके हाथ लगेगी? कैप्टन गोरा होगा या काला? गाड़ी तो काली है, खूबसूरत गाड़ी यहाँ भी आई है, अब ये देखा जाएगा। बॉलर से नहीं भाई कोहड़ा अपने बल्लेबाज का नाम बता दे, कौन ले जाएगा, कौन होगा इसका हकदार? दोनों फाइनल विनर रनर 100 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। दोनों बल्लेबाज का नाम बता दें, और गेंदबाज का नाम जफर, जफर है गेंदबाज। दो मोटर बाइक यहाँ पे आई है दोस्त, ये दोनों मोटर बाइक आ चुकी है, अभी कूलर भी आएगा और डबल डोर वाली तो दिस्तो पहली गेंद पे जड़ दिया छक्का, मिल गया मौका, जड़ दिया छक्का, नो बॉल का भी सारा, 7 रन आ गए, एक भी विकेट ले रहे हैं। हमजा को लगातार 3 छक्का लगाने पे विधानसभा अध्यक्ष AIMIM 500 का इनाम देंगे। इस टाइप पे हमजा पहला छक्का लगा चुके हैं, एक और दूसरा लगातार बैक टू बैक सिक्स, स्कोर 13 बहुत ही अच्छा सा शेयर करें दोस्तों, शेयर करें, 1000 रुपए के इनाम दो लगातार छक्का, लेकिन एक ही गेंद पे दिया है 13 रन, एक गेंद 13 रन, 88 रन दोस्त इससे पहले बनाया था 24-12 गेंद पे, 24 गेंद 12 छक्का लगाया था सजनी और रामपुर टास्क वाले, वॉलंटियर गेंद पहुंचाए वॉलंटियर। अब तक इस गेंदबाज जफर बेचारे की एक गेंद निकल हुई है और खर्च किए हैं 13 रन, मेरा रन नहीं है 13 रन, खूबसूरत 6 छक्के पे 1000 रुपए के नाम आसिफ भाई देंगे, और 3 लगातार छक्के पे अबू तालिब बालिस्टर साहब विधानसभा अध्यक्ष फूलपुर पवई AIMIM। तो ये तीसरा छक्का लगने लगेगा या नहीं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, बच्चा खिलौना खेलेगा ये रन बनाएगा तैयार जी भाई जरूर। इसमें तराजी नहीं, 3 छक्का नहीं लगा, निवादा अगर जीतेगा तो ओबैदुल्ला प्रधान प्रत्याशी 2000 का इनाम देंगे। अयाज भाई कितना इनाम आप देंगे अगर जीतेगा निवादा तो? 2000 रुपए का इनाम अयाज भाई भी देंगे अगर निवादा जीतेगा, लेकिन रात में क्लास लेनी पड़ेगी, क्लास देनी पड़ेगी,
कि हमारे गांव के खिलाफ आपने इनाम लगाया था जफर तैयार, तो हम शुरू किया युद्ध पहुंचेंगे करेंगे। और एक और बड़ी खतरनाक है कर रहा है इसी चीज के साथ इसको जब पहुंचा गया यहाँ पे बड़ा अच्छा ट्राई किया गया। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि एक रन और मिलेगा इसको और तो दोस्तों अब मैं लिख रहा हूँ एसके गारमेंट इनाम लाया, सलाम कर रहा हूँ क्राउड कैश पे एक टी शर्ट एसके गारमेंट और हैट्रिक छक्के और हैट्रिक विकेट पे भी करा एक टी शर्ट दी जाएगी एसके गारमेंट वर्सेस कोटा के बीच चौक माहौल मोड़ फूलपुर आजमगढ़ वसीम रिजवी भाई नवादा वर्सेस कोंडा कोटा ने बहुत अच्छी स्कोर की जफर तैयार एसके गारमेंट आपका वेलकम कर रहा है क्राउड पेश कीजिए एक टी शर्ट दी जाएगी आज पैसे से ज्यादा टी शर्ट हमजा को साफ आउट किया जफर काम किया खत्म हमजा का तो सिंहासन चौहान जो बेहतरीन मैं देख रहा हूं कि ये बाज है वो भी कमेटी के साथ जुड़ा हुआ है और श्याम बाबा के आज बड़े चल रहे हैं सिंहासन साहब आज श्याम बाबा के बड़े चल रहे हैं इस फूलपुर का पावर हाउस के ग्राउंड पे आज सर्दी जुकाम बिल्कुल ठीक है श्याम बाबा का एसके गारमेंट ओपुर चौक माउल मोड़ फूलपुर आजमगढ़ क्राउड कैश पे एक टी शर्ट हैट्रिक सिक्स और हैट्रिक विकेट पे भी एक टी शर्ट कौन गिर भाई नुमान का भी मैच है आगे उस वक्त में होगा इसके बाद एक मैच है उसके बाद हो सकता है पहले ही ओवर में 21 रन धो डाली है निवादा खूबसूरत बैटिंग जितनी भी तारीफ करे कम होगी संजरपुर जाकिर आए अपने कोटे का पहला और टीम की तरफ से कोई खिलाड़ी नहीं दिख रहा है दूसरा ओवर लेकर लेकिन पहले ही ओवर में 21 रन बनाई है 100 रनों के जवाब में जीतने के बाद शायद स्वीकार किया है निमंत्रण और बखूबी अंजाम भी दे रही है जाकिर इस समय अंपायर को क्रॉस किए है और नॉट किया है इस बार खिलाड़ी इसके नीचे जरूर है 72 रनों के लिए जी हाँ नुमान एंड कंपनी का आज मैच है क्योंकि आज ये फाइनल तूफानों से आंख मिलाओ सैलाबों पे वार करो मल्लाहों का चक्कर छोड़ो तैर के दरिया पार करो तो 100 रनों का जवाब है और बखूबी खेल भी रहे हैं और इस समय एक अच्छी गेंद फिर से लॉक किया है ऊंचा लंबा छह रन बहुत ही अच्छा था लाजवाब श्याम बाबा हैट्रिक सिक्स पे हैं अगर छक्का लगाए एक और तो एसके गारमेंट एक टी शर्ट अबू तालिब बालिस्टर 500 रुपए की नाम हमारे कमेंटेटर टोटल स्कोर यहाँ पे 33 क्या छक्का लगेगा इनाम जीतेंगे तैयार आरिफ भाई ने वादा लेकिन लेग स्टिक से बाहर वाइड कैसा स्कोर 34 सभी भी चांस में है आरिफ भाई ने वादा 200 का इनाम देंगे अगर हैट्रिक पूरी करेंगे तो माला माल होंगे टी शर्ट भी मिल जाएगी और टी शर्ट बड़ी प्यारी आई है बिल्कुल लाल
रेड कलर और सफेद कलर की टी शर्ट है, ललचाएगी जरूर आपको। क्या आपकी हैट्रिक पूरी करेंगे? तैयार। छोटा सवाली मार्ग साकी का फिट पहुंचे, गेंद करेंगे और जी नहीं, कारपेट के सहारे खिला गया, गेंद पहुंची मिड विकेट की जानिब, फील्डर मौजूद, इसको इसी एक के साथ पैंतीस। आगे कमेंट्री के लिए श्याम बाबा। स्वागत है साहेबगंज भाई, खूबसूरत मैदान और धीरे धीरे दर्शकों की जो संख्या है एकत्रित होती हुई यहाँ, और पवन देव अपना साथ देते हुए बहुत ही खूबसूरत मैच हो रहा है। नहले पे दहला वाली बात है, बोलते हैं ना नहले पे दहला, वही बात है नहले पे दहला। अभी तक निवादा की भी जो बैटिंग हो रही है काफी अच्छी हो रही है। तो जाकिर लगभग 8 से 10 कदमों का रन अप, धीरे धीरे चलते हुए अंपायर को ग्रास किया है इस बार बल्लेबाज के लिए, और काफी अच्छी गेंद ऑफ स्टंप से ज्यादा बाहर, और अंपायर का इशारा वाइट इसमें पड़ता हुआ, इसको शेयर इनवाइट कर निवादा का दोस्तों तक मैच पहुंचाइए दोस्तों। 36 रन, तो धमाकेदार शुरुआत यहां पे हुई है। फिर से जाकिर अंपायर को क्रॉस किए हैं और बल्लेबाज के लिए, और इस बार स्ट्रेट ड्राइव खेला है, किसी भी खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं चाहता। बहुत कुछ सीखने को मिला है। इसी बीच जाके एक अच्छी गेंद उछाल भरी, बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। साहबगंज भाई से सिंहासन चौहान के गांव में हमारी पहली मुलाकात हुई थी, बिल्कुल मुरीद कर दिए थे। इससे पहले असाद ने काफी अच्छी बैटिंग की है दोस्तों, जबरदस्त निवादा इसमें बल्लेबाजी करती हुई, खूबसूरत बल्लेबाजी, लेकिन अच्छी गेंदबाजी यहां पर जाकिर द्वारा, और इस बार काफी तेज गिरने के बाद तेज आई, संभल नहीं पाए और लेग बाई के रूप में एक रन। इस तरह से ओवर की समाप्ति, निवादा 41। दोस्तों जितना ही ज्यादा आप लोग शेयर करेंगे, 18 बालों में 59 रनों की जरूरत है, इतने ही ज्यादा लोग जुड़े, दो ओवर में इतने ही ज्यादा 41 बने हैं और तीन ओवरों में 61 चाहिए, तो बिल्कुल गुड गोइंग है। जो औसत चाहिए उस हिसाब से बल्लेबाजी कर रहा है यहाँ पे निवादा, कुछ तेज हवाओं का दोस्त छोड़ा यहाँ पे चल रहा है, और असहद जो कोटा के बल्लेबाज हैं 88 रन बनाए, 24 गेंदों का सामना किया, 12 छक्के लगाए, यानी 99 में अकेले 88 असहद का है और 11 रन टीम का है। तो वन मैन शो किया था दोस्त यहाँ पे असहद, और उसी अंदाज में बल्लेबाजी करना चाह रहे हैं सालिम, लेकिन फजैल को साथ देना होगा। जफर है के पास, दो ओवर 41 रन जरूर बने हैं इस निवादा प्रीमियर लीग एसके टेंट हाउस फूलपुर के जेर तमाम ये मुकाबला। तो एसके गारमेंट इनाम लाया है, क्राउड कैच करने वालों को एक टी शर्ट, और तीन लगातार छक्के लगाने वाले को एक टी शर्ट, तीन लगातार विकेट लेने वाले को एसके गारमेंट टी शर्ट दे रहा है। टी शर्टों की भरमार यहाँ पे है, और इनका एड्रेस ऊदपुर चौक माहौल इसके घर में, बड़ा इनाम लेके आया खिलाड़ियों के लिए, ये खिलाड़ी और दर्शक के लिए इनाम लेके आया, दर्शक और खिलाड़ियों के लिए बड़ा इनाम लेके यहाँ पे आए। नाम क्या क्या है दोस्तों, ऐसा नाम देखा जाए इसके गारमेंट का फुल फॉर्म क्या है, इसके का फुल फॉर्म बताया जाए तो बेहतर होगा। जफर तैयार बल्लेबाजी करने के लिए, जफर तैयार शुरू किया, विकेट पहुंचे, गेट करेंगे और एक और आघात लगा है यहाँ पे निवादा को, निवादा जीत रहा है। अयाज भाई कभी मुस्कुरा रहे हैं, कभी सोच में डूब जा रहे हैं, मुकाबला अच्छा चल रहा है आज के सामने।
इसके बाद सचनी का मुकाबला खेला जाएगा यहाँ पे रामपुर से, तो हारिस भी आज देखे जा रहे हैं इस मुकाबले में। कल तक तो यहाँ पे सारे लोग बेचैन थे कि आप लोग नहीं आ रहे हैं, हमारी टूर्नामेंट खराब हो रहा है, टूर्नामेंट खराब हो रहा है लगातार कह रहे थे। आज मैं देख रहा हूँ कि पूर्वांचल के सारे कमेंटेटर वक्त निकाल रहे हैं यहाँ पे, और इसके बाद रामपुर और सचनी के बीच मुकाबला खेला जाएगा। रामपुर और सचनी के बीच मुकाबला खेला जाएगा, टॉस जीता है सचनी। भाई सचनी आप क्या करेंगे बता दे, बल्लेबाजी आगे बाजी। सुरेंद्र कुमार गारमेंट अष्टीशत रहा यहाँ पे, ये सिर्फ टूर्नामेंट को कामयाबी की जमानत, टूर्नामेंट की कामयाबी की जमानत। नए बल्लेबाज का नाम बता दें, तलहा। तलहा कितना सा अपने खेल को दिखाएंगे, तैयार होना शुरू किया और फिल्म स्टिक से बाहर फटके हैं, वाइड का इशारा जरूर आएगा इसी वाइड के साथ। इसको जब पहुंचा यहाँ पे 42 कुछ सोचते ही अपने खेल को दिखा रहे हैं। 100 रन चाहिए मैच जीतने के लिए, 100 रन चाहिए मैच जीतने के लिए तैयार। टॉस शुरू किया, विकेट पहुंचे, गेंद करेंगे, बड़ी कोशिश करके लास्ट किया गया मिड विकेट के ऊपर थे 6 रन के लिए, मिड विकेट और 4 रन के बीच से 6 रन के लिए थे। स्कोर 48 जबरदस्त अंदाज में जाते हैं, जीतने के लिए। तीसरे ओवर में अब तक 100 रन बन चुके हैं। आज दर्शकों का लंबा हुजूम देखा जाएगा यहाँ पे, एक लंबी भीड़ देखी जाएगी। आज फाइनल डे है, इस फाइनल डे में जबरदस्त मुकाबला आपके सामने चल रहा है। तैयार होते तौला शुरू किया, विकेट पहुंचे, अच्छी गेंद घूम कर एक और सालिम के बल्ले से, लेकिन कैच की संभावना, कैच किए गए वहां पे बल्लेबाज सालिम आउट हुए। तो सजनी अपना फैसला सुना दे, आप बल्लेबाजी करेंगे या गेंदबाजी, टीम कैप्टन सजनी। गेंदबाजी करेगा सजनी, गेंदबाजी करेंगे और अब नए बल्लेबाज जा रहे हैं आजाद। बड़ी अच्छी बल्लेबाजी आजाद भी कर लेते हैं अपनी टीम के लिए, एक बेहतरीन मुकाबला आपके सामने। स्कोर 49 रन जरूर, 3 विकेट अब तक गिरा है और तीनों जफर के खाते में गया है। जफर में दिख रहा हूं बेहतरीन गेंदबाजी कराए, बल्लेबाज को फंसा रहे हैं। स्कोर 49 रन, कुछ सोचते हुए अपने खेल को दिखाएंगे यहां पे और एक जबरदस्त अंदाज में अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। क्राउड कैच अगर कोई करेगा तो उसे एक टी शर्ट इनाम दिया जाएगा। इसके गारमेंट ऊपर चौक माहौल मोहल फूलपुर आजमगढ़ की तरफ से सुरेंद्र कुमार की तरफ से एक टी शर्ट आई है, हैट्रिक छक्के और हैट्रिक विकेट पे और क्राउड कैच पे टी शर्ट दी जा रही है। जफर तैयार, सजनी टीम पहले गेंदबाजी करेगी, पहले गेंदबाजी करेगी सजनी यहाँ पे, तो कुछ सोचते ही अपने खेल को दिखाना होगा। फिर मतलब हल्के से खेला गया लेकिन फिर मौजूद वहां पर एक रन जरूर मिला है, आउट होने के बीच संभावना थी। एक के बाद दूसरा रन पूरा कर लिया तो 2 रन पूरा किया, 2 रन के साथ स्कोर 51। खूबसूरत मुकाबला आपके सामने चल रहा है यहाँ पे, स्कोर 51। अब यहाँ 49 रन और चाहिए, अभी इसके बाद 2 ओवर आना शेष है, तो रन बनाए भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं अगर बल्लेबाजी चली तो रन बनाए जा सकते हैं। खराब गेंद ऊंचा घूम कर खेल रहे थे लेकिन आप देख रहे हैं कि एक और विकेट, अब निराशा मुझे लग रहा है कि दबाव में है। अब 3 ओवर 51 रन, अब्दुल्ला आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए, अब्दुल्ला के साथ से बल्लेबाजी करेंगे देखा जाएगा। शाह फहद आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। इसके बाद सजनी और रामपुर के बीच मुकाबला खेला जाएगा, टॉस जीता सजनी और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। तो 3 ओवर हो चुके हैं, आगे क्या कुछ होगा उसके का हाल सुनाएंगे सुजीत शान जो लगातार समय के साथ जुड़े हुए हैं। सुजीत जी भाई करीब करीब मैं वहां जा चुकी है, मैं आपसे सहमत हूँ। बहुत सजनी की बात करेगा, तैयार के बाद शुरू करेंगे करते हुए अंप प्रकाश की आज युद्ध पहुंचे गए जाएंगे।
और अपना अच्छा फ्लिक किया गया, फाइन लेके जा रही फील्डर आ रहे भारतीय देखिए इसके चार रन के निकली है, इसी चार के साथ स्कोर फर्स्ट पर। बस थोड़ा सा तैयार कर लिया खाते में गई है, और साथ चढ़ना शुरू किया, विकेट पहुंचे गए करेंगे और पता फिर हल्का सा फ्लिक करने के लिए गए थे, लेकिन यहाँ पे वाइड का इशारा आएगा। जी हाँ, वाइड के साथ इसको जब पहुंचा यहाँ पे 56-56 चौथा ओवर जारी, 5+5 का मुकाबला। हो सकता है, तो नई नवेली दुल्हन रखी है, इसका कोई कौन उठाएगा, चाबी कौन लेके जाएगा, चाबी कौन लगाएगा दोस्त। और जबरदस्ती में देख रहा हूँ मुकाबला यहाँ पे चल रहा है आपके सामने, तैयार करा देगा। जी हाँ, इसी वाइड के साथ इसको जब पहुंचा यहाँ पे 58। आज तमाम हमारे बड़े मेहमान बड़े नाम आने वाले हैं, इमरान अहमद बेहतलर, बीएसपी लीडर फरहान, कानून स्कूल के प्रबंधक या मैनेजर साबिर आजमी, महाराष्ट्र गोंडे सपा नेता भी हमारे बीच आने वाले हैं। एक मतलब फिर अच्छी गेंद नीचे रहते हुए उसे खेला जरूर है, रन नहीं मिलेगा, रन लेना चाह रहे, रन था लेकिन रन नहीं ले रहे। फहद आजमी महाराष्ट्र सपा नेता, हंसला सिद्दीकी निवादा, ओबैदुल्ला ओबैदुल्ला प्रधान पद प्रत्याशी निवादा, हाजी मिनहार बुनियादी, राजिक खान मुंडिया, और ये आप देख रहे हैं अशफाक खान, ऐसे बहुत सारे नाम दोस्त, अशफाक खान निवादा, कैश पान मसाला, अबुल जैद सिद्दीकी, ये तमाम लोग आज इनके साथ जुड़ने वाले हैं। तो मैं इन टूर्नामेंट बड़े बुजुर्गों के आने के बाद इस टूर्नामेंट में चार चांद लगेगा, नो बॉल का इशारा है। इस मुकाबले में 64 टीमें खेली और उसमें से नसीरपुर टीम जैसे हिस्सा नहीं ले पाई, और आप देख रहे हैं कि टीम जो थी शिव कुमार एंड सोनी कल से टूर्नामेंट में कॉन्टेक्ट कर रही है कि हम टूर्नामेंट खेलना चाह रहे हैं, लेकिन कमेटी ने कहा कि आज 11वां दिन है, 11 से बस किया जाए तो बेहतर होगा, अगले साल खेलिएगा। फिर अगले साल जो निवादा प्रीमियर लीग 2 होगा उसमें 3 मोटर बाइक आएंगी, जो टीम अंतिम 4 में पहुंचेगी उसकी एंट्री फीस माफ होगी, तैयार। और फिर यहां पे वाइड का इशारा, इसको इसी एक के साथ में देख रहा हूं यहां पे अब क्या पहुंचा है, वन सेट टेंडर्स बना है, वन सेट अजान हो रही है, दोस्तों भी अजान तो नहीं हो रही होगी क्योंकि वक्त भी नहीं है, बड़ी तेजी के साथ में देख रहा हूं यहां पे रन लेना चाह रहे हैं, और ये रन आउट, रन आउट एक और आघात, तो निवादा दबाव में आया है और कोहड़ा बड़ी आसानी के साथ मंजिल मकसूद की तरफ गामजन है। दोस्त इस मुकाबले में हमारे बड़े बूढ़े आएंगे, टूर्नामेंट में 4 चांद लगेगा, टूर्नामेंट में 4 चांद लगाने के लिए आज हमारे तमाम बड़े बुजुर्ग टूर्नामेंट के साथ जुड़ने वाले हैं। जो लोग टूर्नामेंट के साथ जुड़े हैं राजापुर से टूर्नामेंट में बना हुआ है, इस बनी है, संजय है, अम्बेडकर नगर है, सचिनी है, और सारे मैच आपको ऐसी सारी टीमें अभी तक अपनी चुनौती पेश कर रहा है, इस मुकाबले में चुनौती पेश कर रहा है, कल तो बड़ी टीमों को हराया है, खुरासा और खंडवाड़ी को जितने भी बेहतरीन खेल हराया है, एक बार तो सुपर ओवर हुआ था, कल मैं इसरौली में था, आल यूपी रूल आउट टूर्नामेंट खत्म हुआ जिसमें एसटीएस इसरौली टूर्नामेंट को जीता, तो इसके बाद तैयार के बाद बल्लेबाज के लिए और फिर घूम कर खेल रहे थे यहाँ पर, वाइड का इशारा, दोनों अच्छी टीम है, स्कोर 60, स्कोर 60 रन, तो ये निवादा प्रीमियर लीग के लोग बड़े प्यारे हैं और 2-3 दिन मेरी गैर हाजिरी रही, इसलिए कि दोस्त इस रैली का जबरदस्त टूर्नामेंट था, सुजीत सान ने संभाल लिया टूर्नामेंट को, तो मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ सुजीत सान का कि आप वादे के बड़े पक्के निकले कि वादा करके, और यहाँ पे तो नाम कमेंटेटरों में मैं देख रहा था, नाम थे यहाँ पे मोहम्मद सुल्तान, मोहम्मद शारिक, मोहम्मद फरहान और सद्दाम शेख, ऐसे नाम यहाँ पे थे, कि तमाम लोगों का वेलकम है जो टूर्नामेंट के साथ दोस्त लगे हुए, बेहतरीन अंदाज में ये मुकाबला आपके सामने। और आज से ही खालिदपुर में रूल आउट टूर्नामेंट शुरू है, वहां पर भी कमेटी दोस्त कहा कि मैं कल या परसों आऊंगा, आज तो नहीं आने वाला हूँ, आज फाइनल मुकाबला है यहाँ पे फूलपुर कटक पावर हाउस में, कल से ही
पप्पू भाई बरौली और रेहान शेख ये बार बार फोन कर रहे थे कहा ये तो मजा आएगा, तो मैं उनका वेलकम कर रहा हूँ। इन लोगों का मोहब्बत देने के लिए रेहान शेख और पप्पू भाई बरौली आपका वेलकम है। ये हमारे बड़े बुजुर्ग इस समय इनके साथ लगे हुए हैं। तो जबरदस्त मुकाबला कस्बा माहौल और आजमगढ़ तक इस टूर्नामेंट को लाइव दिखा रहा है कि किसी के जख्म पे चाहत की पट्टी कौन बांधेगा, अगर पहने नहीं होगे तो राखी कौन बांधेगा। तुम्हारी महफिलों में हम बड़े बूढ़े जरूरी हैं, अगर हम ही नहीं होगे तो पगड़ी कौन बांधेगा। हल्के से खेला गया, नो बॉल का ऐसा स्टेपिंग समझौता किया है, फ्री हिट का ऐलान होगा। इस तरह से मैं देख रहा हूँ की स्कोर यहाँ पे जा पहुंचा है अब 63। क्राउड कैच कीजिए, क्राउड कैच आपको एक सुरेंद्र कुमार इसके टेंट हाउस वाले इसके गारमेंट वाले आपको टी शर्ट देंगे। तो काफी वक्त हो गए, एक भी सिक्स इस ओवर में 7 रन एक्स्ट्रा आए दोस्त, लेकिन बल्ला ऊपर गेंद नीचे, असद जो विकेट कीपर दोस्त 88 रन की लाजवाब पारी खेली, 12 छक्के लगाए और अपनी टीम के स्कोर को पहुंचाया 99। वन मैन शो किया था असद, तैयार दोस्तों किया फुट पहुंचेगी तिरंगे बड़ी अच्छी गेंद, फिर उस कट करने का चक्कर था और आउट आउट यहां पे एक और विकेट साफहत भी आउट। तो ये निवादा का एक और बल्लेबाज दौड़ता चला जा रहा है अपने मुकाबले को खेलने के लिए, मुकाबले में बना हुआ है। तो उबैदुल्ला प्रधान प्रत्याशी निवादा भी आपका वेलकम कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं। बेहतरीन मुकाबला आपके सामने दोस्त चल रहा है यहाँ पे, एक दिलकश मुकाबला, इतने सारे मुकाबले दोस्त क्रिकेट में। बकरा में भी ओपन टूर्नामेंट 6 मार्च से शुरू हो रहा है, बकरा में ओपन जहाँ मुंबई की टीम आ रही है और इसी दिलचस्प होगी, लेकिन अब तो धूप इतनी तेज है कि हम लोग तो इस पंडाल में बैठे हुए आराम से बोल सकते हैं, लेकिन जो खेल रहे हैं वो कुछ धूप में चल रहे हैं, लेकिन खिलाड़ी कह रहे हैं कि हम तो यहाँ के भारतीय बच्चे हैं, हम इस धूप में आसानी के साथ खेलेंगे। तैयार के बाद कुछ सोचते हुए अपनी गेंदबाजी करेंगे, 20-22 गेंदों पे 88 रन जिसमें 12 सिक्स मारे उन्होंने, तैयार और पीछे के घूम कर खेलने का चक्कर था वाइड का ऐसा आया। तो दोस्तों जो हमारे जो इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं वो लोग भी अप्रैल मई जून में क्रिकेट तपती हुई धूप में खेलते हैं। बॉलर्स ने इस बात का क्या नाम बता दें भाई, कोहड़ा नाम बताएंगे पास का, और दूसरा ट्राई सीधे बल्ले से गेंद बाउंड क्रॉस कर जाएगी 4 रन के लिए। काफी टाइम बाद हो रहा है कौशीन की दादी करने के लिए आए, कौशीन किस तरह से दादी करेंगे देखा जाएगा, थोड़ा दिलचस्प मुकाबला आपके सामने। संभावना जी हाँ, एक और विकेट 68 के स्कोर पे, 5वां और आखिरी ओवर दोस्त चल रहा है यहाँ पे। तो अब सचनी तैयार रहे गेंदबाजी करने के लिए, रमोपुर अपने बल्लेबाजी करने के लिए बिल्कुल तैयार रहे। 5+5 ओवर का मुकाबला वो भी खेला जाएगा, आज फाइनल डे है निवादा प्रीमियर लीग, जबरदस्त परफॉर्मेंस शो किया है यहाँ पे, जबरदस्त परफॉर्मेंस करवाया है, तो मैं उनका वेलकम कर रहा हूँ, खैर वेलकम कर रहा हूँ कि आपने परफॉर्मेंस करवाकर प्रणाम किया है अपना, और इस सीजन का अच्छे टूर्नामेंट में उनका शुमार है, इस निवादा प्रीमियर लीग का टॉप टूर्नामेंट में नाम आ रहा है। ग्राम सभा में वाइस बॉल का इशारा, स्कोर 1 के साथ 69 रन। तो दोस्तों रेहान शेख, काशिफ खान, अशफाक खान या अहले कमेटी सब को कह रहे हैं कि आओ मिलजुल के चलें, बस यही काम करें, बाद होने वाला मैं सब ब्रह्मपुर वर्सेस चलन आम करें। खूबसूरत गेंद 30 मरतबा, अब बल्लेबाज रन नहीं ले रहा है, इखलास मोहब्बत का काम आगे बढ़ाए तभी काम बनने वाला है। और इस खूबसूरत टूर्नामेंट में मैं आप लोगों का वेलकम कर रहा हूँ, स्वागत कर रहा हूँ जो टूर्नामेंट के साथ आप लगे हुए हैं। बेहतरीन मुकाबला आपके सामने चल रहा है और इस मुकाबले को जीतेगा कौन ये देखा जाए, और इसे हल्के से खेला गया, बेहतरीन मुकाबला आपके सामने, बेहतरीन अंदाज में अपने काम को अंजाम देना पड़ रहा है। इस बड़े मुकाबले में उसी का काम बनेगा कि तरक्कियों के दायरे में उसी का दौर चल गया, बना के अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया, बना के अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया, तो जो भीड़ से निकलेगा काम बनेगा उसका, खूबसूरती के साथ अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। दोस्तों लाइक शेयर कमेंट करते रहें।
बिल्कुल मुकाबला वन साइडेड, मुत्तफा थोड़ा मैच में आगे बढ़ रहा है, खूबसूरत टाइम, लेकिन वहां पे एक फाउंडेशन को क्रॉस करने के लिए चार रनों के लिए स्कोर से चार के साथ यहां पे अब जा पहुंचा है 73। बेहतरीन मुकाबला आपके सामने चल रहा है, खूबसूरती के साथ अपने काम को अंजाम देते हुए, और इसके बाद सजनी बिल्कुल तैयार है। 75 रन दोस्तों आए, 25 रन और चाहिए, तो अच्छी बल्लेबाजी की है दोस्तों यहां पे। 100 के जवाब में अगर 75 रन टीम बना रही है तो दब के नहीं खेलिए, चल के खेलिए, फिर घूम कर खेला, एक और खूबसूरत चौका, स्कोर बन गया 20 रन से मैच को गंवाया है, 20 रन से मैच को गंवाया है। एक बार फिर से मिलेंगे सर जी, और काम करना होगा।